अपने रसूलनबाई की गई चैती के लिए। Come on, my dude.
Happy
रसूलनबाई की गाय इस गजरी की दशा चयन कर। अभी आपने ठुमरी भैरवी सुनी रसूलनबाई की आवाज में। अब समाज फरमाइए एक कजरी फनकार रसूलनबाई। Thank you.
अपने रसूलनबाई की गाई हुई ये कजरी सुनी। ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। सुबह के 10 बजे चाहते हैं, अब हमारी पहली मजलिस का वक्त खत्म होता है। दोपहर 2 बजे मीडियम वेव 427.3, मीडियम वेव 280.1 और शॉर्ट वेव 31.01 पर हम अपनी दूसरी मजलिस के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। सामीन उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। Thank you.
Thank you.
Thank you.
में तो है ही, पर गाने के ढंग में भी क्या कुछ फर्क है? अच्छा जरा कजरी और चैती का फर्क बताइए। कजरी आप पहले सुनिएगा कि चैती सुनिए? कजरी के बारे में कुछ बताइए, बोल के बताइए। कजरी किस मौसम में गाई जाती है? कजरी तो उस मौसम में गाई जाती है जिस मौसम में पानी बरसता है, बादल गरज। बरसात के मौसम? बरसात के महीने यानी जब बारिश होती है तब कजरी गाई जाती है। अच्छा वो किस रस की चीज़ है? रस की चीज़ है वो, मतलब बरसात के मौसम की चीज़ है ना? हाँ बरसात के मौसम में, बरसात ही के मौसम में कजरी गाई जाती है। ये आमतौर पे क्या बिरहा रस की है ये? हाँ ठीक है, बिरहा रस की चीज़ है। अच्छा ये क्यों बिरहा रस की? ज्यादातर इसीलिए, शायद इसीलिए हो कि तीज में लड़कियां मैके आती है, क्योंकि इसकी बंदिश की बोल जिसने मैंने सुना आज तक इसमें ज्यादातर बिरहा रस की कजरी के मौसम में वो अपने घर रहती है, अपने माँ के घर रहती है। हाँ। और आदमी के घर नहीं जाती। हाँ। मगर माँ बाप रोके रहते हैं कि कजली है, कजली के महीने में अपने घर रहे तो अच्छा है, मगर वो चाहती है कि मैं अपने शौहर के यहाँ घर जाऊँ। तो उस वक्त कजली पानी बरसता है, मौसम अच्छा रहता है, तो अपने घर जाने के लिए उसको ये है कि मैं जाऊँ। और कजली उसी मौसम में गाई जाती है जिस मौसम में ये बारिश होती है। अच्छा और चैती? चैती तो चैत के महीने में होती है।